सनातन परंपरा में हर दिन किसी न किसी देवी देवता की पूजा या उपवास से जुड़ा होता है। आस्था से जुड़े अश्विन मास में कई सारे व्रत त्योहार आते हैं। इसी के साथ संतान की लंबी आयु की कामना के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत रखा जाता है। ये व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल ये व्रत 18 सितंबर को है। इस व्रत को मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। बता दें कि जीतिया व्रत का नाम गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन के नाम पर रखा गया। आइए आपको बताते हैं कि जीतिया व्रत क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है। मान्यता के अनुसार महाभारत काल में अश्वत्थामा ने बदले की भावना के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया था। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मा से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। उसी दिन से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि से ही संतान की लंबी आयु की कामना के लिए जीवित पुत्र का व्रत रखे जाने लगा। मान्यता है कि जो महिलाएं इस व्रत को विधि विधान से करती हैं, उनके बच्चे पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है। इस व्रत को रखने से संतान की आयु बढ़ती है और निरोगी और सुखी जीवन मिलता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और भूल स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।